गाइस अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए वो या तो यूट्यूब अपडेट के बारे में या फिर किसी ने किसी फोन के फीचर के बारे में या फिर किसी ने किसी फोन का कंपैरिजन ही किया है। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग वीडियो बना लेते हैं, फोन की हिस्ट्री भी देख लेते हैं, किसने इन्वेंट किया, कब किया, कैसे होते थे पहले के फोन। तो सोचा कि इस टॉपिक पे एक शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो बना ही लेते हैं जिसको देख के आपको भी मजा आए। तो ये वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है करण, आप देख रहे हैं टेक पैलेस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपको पता है फर्स्ट सेलफोन किसने इन्वेंट किया? 3 अप्रैल 1973 जो मोटोरोला कंपनी के फाउंडर भी थे मार्टिन कूपर, उन्होंने फर्स्ट सेलफोन इन्वेंट किया जिसकी प्राइस उस टाइम पे $4,000 थी, मतलब रुपीज में 2,97,000। एंड उस फोन का वजन 2 किलो था। उस फोन का नाम है डायनाटेक 8000X जो एक्चुअल में लॉन्च हुआ 1983 में, जो चला 1998 तक। मोटोरोला मार्केट लीडर था 1998 तक, लेकिन उसके बाद नोकिया ने ओवरटेक किया जो खुद मार्केट लीडर बना 2012 तक। अब नोकिया का जिक्र हुआ है तो नोकिया की बात कर लेते हैं। 10th of November 1992 में नोकिया ने फर्स्ट GSM फोन लॉन्च किया। GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये फोन का नाम है नोकिया 1011। ये जो 1011 है ये लॉन्च डेट को रेफर करता है, 10th of November। और हम जो बचपन से नोकिया के रिंगटोन सुनते आ रहे हैं वो फोन 1994 में लॉन्च हुआ था। उस फोन का नाम है नोकिया 2100। उसके कुछ सालों बाद 27th August 2003 में नोकिया ने एक फोन लॉन्च किया जिसका नाम है नोकिया 1100, जिसके क्लोज वेरियंट नोकिया 1101, नोकिया 1108 भी है। लेकिन नोकिया 1100 पूरी दुनिया में बेस्ट सेलिंग फोन माना जाता है। 25 करोड़ से ज्यादा ये फोन पूरे वर्ल्ड में सेल हुआ है, जो अपने आप में एक लेजेंडरी फोन है। मेरे और आपके बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हैं इस फोन से, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से नोकिया 1100 2009 में डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन अब देखा जाए तो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे जा चुकी है। हम घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, खाना क्या घर तक ले सकते हैं। फोन की कैमरा क्वालिटी, ग्राफिक्स, बैटरी, पहले हम टॉर्च लेके घूमते थे, अब फोन में टॉर्च लेके घूमते हैं। ऐसे अनगिनत चीजें जो काफी ज्यादा अपडेट हो चुकी है। लेकिन जो पहले वाले फोन थे नोकिया 1100, नोकिया 3210, अभी तो नाम भी याद नहीं आ रहे, लेकिन उन चीजों में जो वाइब्स थे, जो हम रिंगटोन सुनते थे, गेम्स खेलते थे, वो आज के फोन में नहीं मिलते, मुझे तो नहीं मिलते। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था पुरानी यादों को रिकॉल करने के लिए। अगर आपके इसी फोन से जुड़ी हुई छोटी मोटी यादें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर सुनना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।